Hey guys, welcome back to my channel Queen's Spoon Kitchen and More। मैं हूँ संध्या और आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी क्रीमी वेज सैंडविच। जी हाँ, ये सैंडविच खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और आज मैं ये सैंडविच बनाऊँगी मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आती है, रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है ये ग्रिल पैन और उस पैन में मैंने लगाया है बटर और मैंने यहाँ ये कॉटेज चीज़ ली है, पनीर जो होता है उसके मैंने ये मोटे मोटे दो स्लाइसेस काट लिए हैं और उनको हम पैन में ग्रिल करेंगे और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी इस पर डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें हल्का सा काला नमक भी डाल सकते हैं और दोनों स्लाइसेस को, पनीर की दोनों स्लाइसेस को हम अच्छी तरीके से दोनों तरफ से ग्रिल कर लेंगे और फिर इनको पलट कर हम दूसरी तरफ भी थोड़ा सा चाट मसाला, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है, काफी एक टेंगीनेस और टेस्टी लगती है ये सैंडविच। ये देखिए कितने अच्छे ग्रिल्ड मार्क्स आए हैं पनीर स्लाइसेस पर। बस इतना ही हमें इन्हें ग्रिल करना है। अब हम इन्हें ग्रिल पैन से एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे एक बोल और उसमें मैंने यहाँ 3 बड़े चम्मच तंदूरी मेयोनीज डाला है। मैं यहाँ वीबा का तंदूरी मेयोनीज यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच चीज़ स्प्रेड डाल देंगे और दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे हमारी सब्जियां। मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटा मैंने यहाँ प्याज लिया है, उसको बारीक काट कर इसमें डाला है और आधा मैं यहाँ डालूंगी बारीक कटा हुआ खीरा और उसके बाद मैंने यहाँ डाला है ये स्वीट कॉर्न जो फ्रोजन वाले होते हैं मैंने वो यूज़ करे हैं यहाँ पर। उनको मैंने हल्का सा गर्म पानी में नॉर्मल कर लिया है, फिर डाला है और मैंने यहाँ डाल दिया 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला और उसके बाद इसमें 1/2 छोटा चम्मच ही हम डाल देंगे काला नमक। काले नमक से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसके साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें जो भी चाहें अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं लेकिन छोटा छोटा कट करके ही इसमें डालें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मिंट मेयोनीज। ये जो वीबा का मेयोनीज आते हैं मैं यहाँ वही यूज़ कर रही हूँ, ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार फिर से। तो चलिए, हमारी जो सैंडविच की फिलिंग है वो एकदम बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इसका टेक्सचर इसी टाइप से क्रीमी होना चाहिए। चलिए अब हम लेंगे 2 ब्रेड की स्लाइसेस। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मल्टीग्रेन जो सीड्स वाली जो ब्रेड आती है वो यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने 1 ब्रेड स्लाइस ली है और उसमें मैं यहाँ लगा रही हूँ मिंट मेयोनीज। जो वीबा का मिंट मेयोनीज मैंने अभी आपको दिखाया था वही मैं इस स्लाइस पर लगा रही हूँ। अच्छे तरीके से इवनली इसको हम ब्रेड पर स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें रख देंगे ये ग्रिल्ड पनीर की जो स्लाइस हमने ग्रिल करी थी उसे हम इसमें लगा देंगे। और उसके बाद अब मैं यहाँ लगा रही हूँ ये टमाटर की स्लाइसेस। टमाटर को हमें पतला पतला स्लाइसेस में काट लेना है। मैंने यहाँ 4 टमाटर की स्लाइसेस लगाई हैं और उसके बाद जो हमने अब जो फिलिंग बनाई थी वो हम इसमें अच्छे से फिल कर देंगे। अब हम एक दूसरी ब्रेड की स्लाइस लेंगे और उस पर भी हम ये मिंट की मेयोनीज अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे और उस ब्रेड की स्लाइस को हम इसके ऊपर कवर कर देंगे। तो चलिए, अब बारी है इस सैंडविच को ग्रिल पैन में ग्रिल करने की और इस पर हम थोड़ा सा ऊपर से बटर भी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से दोनों तरफ से ग्रिल हो जाए, अच्छे तरीके से सिक जाए। चलिए, अब हम लेंगे वही ग्रिल पैन जिसमें हमने पनीर की स्लाइसेस को ग्रिल किया था और उस पैन में थोड़ा सा बटर लगाकर हम ये अपनी सैंडविच को दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सेक लेंगे। जब तक इसकी दोनों साइड्स क्रिस्पी नहीं हो जाते एकदम, तब तक हम हल्का सा इसको दबा दबा कर अच्छे तरीके से दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितने अच्छे ग्रिल मार्क्स आए हैं सैंडविच पर। इसे दोनों तरफ से हमें क्रिस्पी तरीके से सेकना है और ऊपर से एक बार फिर से थोड़ा सा बटर लगा देंगे।
अब इसको पलट कर देख लेते हैं, दूसरी तरफ से भी देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सिक चुका है, कितना अच्छा कलर आया है। तो देखिए ये हमारा क्रीमी वेज सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी सैंडविच भी सेक लेंगे। इसको भी हम दोनों तरफ से अच्छे तरीके से क्रिस्पी ब्राउन कलर आने तक सेक लेंगे। बीच बीच में इसमें हल्का हल्का बटर हमें लगाना है, जिससे इसमें एक अच्छा बटर का फ्लेवर भी आएगा और एक इससे इसमें एक ग्लॉसीनेस आती है और इसका जो क्रिस्पीनेस है वो भी बढ़ जाती है। तो देखिए हमारे ये क्रीमी वेज सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं, जिन्हें हमने मल्टीग्रेन ब्रेड में बनाया है। ये देखिए कितना टेस्टी, कितनी क्रीमी फिलिंग लग रही है इसके अंदर, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए है ना कितनी इजी, कितनी सिंपल और टेस्टी रेसिपी। ये देखिए कितनी क्रीमी, कितनी माउथ वाटरिंग लग रही है ये सैंडविच। पनीर का टेस्ट और जो सब्जियां हमने इसमें डाली हैं उनका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आता है। तो देखिए हमारे क्रीमी वेज सैंडविच बनकर तैयार हैं। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ऑल पर ज़रूर कर दें। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।